हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास यूएन नंबर है बट उसका पासवर्ड नहीं है, आप उसका पासवर्ड भूल चुके हो, या फिर आपने पहले पासवर्ड बनाया था बट अब आपको वो पासवर्ड याद नहीं है, आपने क्या पासवर्ड बनाया था। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपना पीएफ का मैं यूएन का पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हो, और मोबाइल से आप कैसे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। और आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए कोई लैपटॉप या फिर आपको कहीं भी साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल से 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपने यूएन का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देख सकते हो यह है गूगल, गूगल में आपको जाना है, गूगल में आपको टाइप करना है UAN, गूगल में आपको टाइप करना है UAN। इस करने के बाद में सबसे पहला जो लिंक ओपन होकर आपके सामने आएगा, आप देख सकते हो UN एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो गया आपके सामने आएगा, एक अलर्ट का पॉपअप यहाँ आपके सामने आएगा, उस पर यहाँ पे आपको क्रॉस का साइनअप दिखेगा, उसको आपको यहाँ से क्रॉस कर देना है। तो जैसा कि आपको बताया, इसको हमने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है वेबसाइट को, तो यहाँ पे आपको एक 3 डॉट निशान आपको दिखेंगे राइट साइड में टॉप पे, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट, तो एक डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको टिक करना है। डेस्कटॉप साइट को आपको टिक करना है, जैसा कि जो फिर आपका जैसा ही वेबसाइट लैपटॉप में ओपन होती है वैसे ही है आपके फ़ोन में भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आप देख सकते हो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको यूएन नंबर डालना, पासवर्ड डालना, कैप्चा डाल के लॉगिन करना। बट अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आपको नहीं पता है आपका क्या पासवर्ड है, तो आप देख सकते हो फॉरगॉट पासवर्ड, तो फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो गया आपके सामने आएगा, आप देख सकते हो फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको डालनी है, एंटर यूएन, जो आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना, देन उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना। कैप्चा डालने के बाद जो राइट साइड में आपको सबमिट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको सबमिट करना। तो चलो दोस्तों, मैं अपनी डिटेल इसमें फिल कर लेता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे इसको क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आएगा, एंटर यूअर डिटेल। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपको वेरीफाई करनी है, आपका नाम, सबसे पहले ऑप्शन है नेम का, सेकंड ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, थर्ड ऑप्शन है जेंडर, देन उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो आपको यहाँ पे वही डिटेल्स फिल करनी है जो आपके आधार कार्ड में है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको DDMMYY फॉर्मेट में डालना है, डे मंथ एंड ईयर वाले फॉर्मेट में आपको यहाँ डालना है, उसके बाद जेंडर डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलो मैं आप डिटेल्स भर के आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। डिटेल वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हो आपको इसको ऊपर स्क्रॉल करना है, देन उसके बाद आएगा वैलिडेट अगेन। तो यहाँ पे एक आपको कैप्चा डालना है, जो ये कैप्चा दिया हुआ इंटर कैप्चा, देन उसके बाद आधार नंबर, जो आपका आधार का नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद एक यहाँ पे आपको चेकबॉक्स मिलेगा, उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद अगेन फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वेरीफाई का, तो फिर यहाँ पे आपको उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे कैप्चा डालना है, आधार नंबर, देन टिक करके उसको वेरीफाई डाल करना है। तो चलो मैं इसमें डिटेल्स अभी फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कैप्चा और आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद फिर आप देखोगे नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आधार कार्ड की जो डिटेल्स थी वो वेरीफाइड हो चुकी हैं, यहाँ पे ग्रीन आ गया है डिटेल्स एंड वैलिडेटेड, और ग्रीन टिक आ चुका है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे हमें वही नंबर मेंशन करना है जो मोबाइल नंबर हमारा आधार से लिंक है, देन उसके बाद यहाँ पे वही चेक बॉक्स है, फिर गेट OTP पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर मेंशन करना जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। तो चलो दोस्तों, मैं इसमें मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे टिक करना, टिक करने के बाद गेट OTP, देन उसके बाद आप देख सकते हो OTP सेंड सक्सेसफुली, जो OTP था वो सेंड कर दिया जो मेरा मोबाइल नंबर आधार से लिंक था, तो OTP आ चुका है। OTP आने के बाद अब मैं आप उसके बाद आप देख सकते हो इंटर कैप्चा एंड इंटर OTP, देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन, दो ऑप्शन मिलेंगे राइट साइड में, वेरीफाई एंड रीसेंड OTP। अगर OTP नहीं आया तो आप, या फिर आपको वो नहीं मिला तो आप यहाँ पे दोबारा इसमें रीसेंड पे क्लिक करके दोबारा भी OTP मंगवा सकते हो। तो चलो मैं इसमें डिटेल्स फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, जो OTP था वो वेरीफाइड हो गया। उसके बाद आप OTP वेरीफाई होने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट है न्यू पासवर्ड, सेकंड है कंफर्म पासवर्ड। तो आप अपने यहाँ पे पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप UN में जाके वहाँ से लॉगिन कर सकते हो अपने पासवर्ड के थ्रू। बट आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवाइस करना चाहता हूँ, जब भी आप अपना पासवर्ड बनाओ तो उसमें ध्यान रखना कि एक लेटर कैपिटल हो और एक स्पेशल करेक्टर होना जरूरी है, लाइक आपका @ हो गया, -hyphen हो गया, लाइक दैट। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो PF में, या उसके अलावा ESIC में, या कोई भी आपको इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, मैं आपकी उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा और ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको उसका
हेल्प कर सकूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।